हेलो गाइस, वेलकम टू अपर्णाज रेसिपी ट्री। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल हलवा स्टाइल क्रिस्पी करारी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आलू की टिक्की। हेलो गाइस, वेलकम टू अपर्णाज रेसिपी ट्री। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो डिश बनाने जा रहे हैं वो ऑल टाइम सबकी फेवरेट रहती है और आज हम बनाने जा रहे हैं जिसको सुन के आपके मुँह में पानी आ जाएगा। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की। उबले हुए आधा किलो आलू, जिसे कि हमने 3 घंटे पहले बॉईल कर लिया है और ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। आलू टिक्की के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके आलू होने चाहिए बिल्कुल ठंडे होने चाहिए और 3 से 4 घंटे पहले आप उसे बॉईल करके रख लें और वो एकदम ठंडे हो जाएंगे। तो ऐसे आलू की जो चाट होती है बहुत ही क्रिस्पी बनती है और टिक्की बहुत बढ़िया बनती है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे आलू है बॉईल किए हुए आलू, इसे हम कद्दूकस की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। या तो आप इसे मैश भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे कद्दूकस करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसे कर लेते हैं कद्दूकस। तो देखिए, टिक्की के लिए हमने आलू को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। चाट जितनी चटपटी रहती है ना उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। ग्रेट किया हुआ थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, अदरक का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़े से मसाले। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी मटर, मटर का सीजन है तो मटर को भी डालना चाहिए। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया और साथ ही इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये सब हमने लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक। काला नमक से इसका जो टेस्ट है टिक्की का बहुत बढ़िया आता है। और थोड़ा सा लिया हमने सादा नमक, क्योंकि हमने काला नमक डाल रहे हैं तो हमें सादा नमक की मात्रा को ध्यान में रखना है, तो इसमें थोड़ा सा डाला है। और साथ ही इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच आमचूर पाउडर। और अब हम इन सारी सामग्री को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और आज मैं आपको एक जो चाट वाले हैं उनकी जो टिक्की होती है काफ़ी क्रिस्पी होती है उसका सीक्रेट बताना चाहती हूँ। वे उसमें डालते हैं आरारोट पाउडर। तो आज हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच आरारोट पाउडर। अगर आपके पास आरारोट पाउडर नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकती है, या फिर अगर आपके पास चावल का आटा है तो उसमें चावल का आटा भी डाल सकती है। अगर आपके पास चावल का आटा भी नहीं, कॉर्नफ्लोर भी नहीं, तो आप इसमें जो सूजी होती है उसको मिक्सी में थोड़ा पीस करके उसको भी आप 3 चम्मच इसमें डाल सकती है। इससे जो हमारी टिक्की है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और बिल्कुल करारी बनेगी। तो इसको सभी सामग्री को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसका डो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा डो बनके तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारे टिक्की का डो था इसने 10 मिनट रेस्ट कर लिया है। अब हम बनाते हैं इसके मनचाहे आकार की टिक्की। ये देखिए, हमने अपनी सारी टिक्की बना करके तैयार कर ली है। टिक्की को शैलो फ्राई करने के लिए हमने गैस पर रख दिया है एक पैन या एक तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम टिक्की को डाल देते हैं और हमारा जो गैस का फ्लेम रहेगा मीडियम टू लो रहेगा और धीमी आंच पर हम इसे क्रिस्पी होने तक दोनों साइड से सेक लेंगे। देखिए, जो हमारी टिक्की है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है और एकदम क्रिस्पी हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और टिक्की को अलग प्लेट में निकाल लेंगे।
तो फ्रेंड्स तैयार है हमारी सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी आलू की टिक्की। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। अगले नए रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खाते रहिए खिलाते रहिए।